जो लोग सपा बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन देखना चाह रहे थे, जाम की परिस्थितियों ने उन्हें वो नज़ारा दिखा दिया। सपा और बसपा के लोग कई किलोमीटर तक अपने लाल और नीले झंडे लहरा रहे हैं। एक दूसरे के सामने आना तो नहीं कहा जाएगा, परिस्थितियां ऐसी रही, सिचुएशन ऐसी रही कि एक दूसरे के सामने आ गए। दरअसल अभी मायावती की एक जनसभा है कुछ किलोमीटर दूर, वहाँ पर हजारों की संख्या में बसपा समर्थक जा रहे हैं और ठीक पीछे अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जनसभा है। तो दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के आमने सामने आ गई, सब एक दूसरे के अपने पक्ष पक्ष की नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे तमाम बसपा समर्थक बसपा के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, मायावती के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और हाथी हाथी का किनारेबाजी कर रहे हैं, और इधर समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक एकजुट हुए हैं। साइकिल से डर के हाथी हाथी कर रहे हैं, साइकिल के आगे सबकी जमानत जब्त है। दो साल पहले तो आप लोग साथ साथ कर रहे थे, 2012 से 2017 माननीय अखिलेश जी अभूतपूर्व काम किए जिसका कोई जोड़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये भीड़ और आपकी भीड़ अगर एक साथ अगर नारे लगा रही होती तो क्या दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जनसैलाब देख रहे हैं, हाथी का पता ही नहीं है। हाथी इतनी जनसैलाब तो उनके साथ हो गई है, जनसैलाब तो उनके साथ भी है और गायब दोनों पार्टियां हुई हैं। आप भी वो देखने के लिए है, आप देख लीजिए सामने कितना हमारे जनसैलाब है। उनका भी इसी तरह का दावा रहेगा। खैर हम अभी उनसे तो उस पार जाके बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम है, और एक इस बात का भी डर होता है कि कहीं जब दो दलों के लोग हों तो उनमें से कोई अराजक तत्व ना हो जो बिना बात की लड़ाई कर ले, और फिर कैसा संदेश जाएगा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह के नज़ारे कभी कई बार आपको राजनीति में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दरअसल वाराणसी में बाहर जो रिंग रोड का एरिया है वहीं पर दोनों लोगों की जनसभा है। पहले ममता बनर्जी कल ही शाम को यहाँ पर पहुँच आई थी और आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ ममता बनर्जी की एक जनसभा है, और कुछ ही दूर पर मायावती की भी जनसभा है, उसके लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, नारेबाजी करते हुए सब लोग आगे बढ़ गए। हम अब लोगों से बातचीत करते हैं जो समाजवादी पार्टी के जनसभा में आए हैं, क्योंकि अब इसके आगे हमें नहीं जाने दिया जाएगा, इधर पुलिस लगी हुई है। कि क्या अभी ममता बनर्जी के आने पर आप लोग आए हैं या सपा की सारी रैलियों में जा रहे हैं? हम लोग अखिलेश यादव जी को देख के आए हैं। अच्छा, तो उनके तो अभी जौनपुर में भी कल थी, कल गए थे आप लोग? नहीं, कल नहीं गए थे, हम लोग बनारस वासी हैं। अच्छा, आप बनारस वासी हैं। बनारस में कहा जाता है कि किसी का कितना भी माहौल हो, आखिर में दो तीन दिन आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम भावुक कर देते हैं, उसके बाद मीडिया आगे का काम कर देता है। बनारस एक तरफा भाजपा के हाथ चली जाती है। बनारस के युवा, बनारस के युवा एकदम प्रताड़ित है। बनारस में चाहे जो भी हो, वहाँ की युवा जनता एकदम ही अखिलेश यादव के साथ है। अब सरकार 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से हम लोग बना रहे हैं। कैसे इस दावे को माना जाए, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में आप देखिए गिनी चुनी एक दो सीटें ही जीत पा रहे हैं आप लोग। 2017 के चुनाव का पैमाना ले लें, 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी भाजपा को नहीं हराया जा सका, तो कैसे मान लिया जाए? देखिए, जुमलेबाजियों की सरकार है, आज जनता सारी बातें को जान चुकी है, पहचान चुकी है कि कौन क्या बोलता है। हमारे देश के रक्षा मंत्री जो 12वीं को पास, इंटर को पास करा के 12वीं में भेज रहा है, वो छोड़िए। अभी ये बताइए, आपके पीछे बसपा के इतने समर्थक जा रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, इस मुद्दा को उठाइए ना। इंटर पास करके 12वीं पास करके इंटर, देश के वो गृह मंत्री हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटर 12वीं एक ही है। इसका इस बात से क्या तक था? हम आपसे बात करेंगे, मीडिया के लोग, हम आपसे अभी बात करेंगे। सपा के लोग रहते तो अब तक हाईलाइट हो जाता, तो ये लेकिन इस बात को कोई नहीं उठाया। इस तरह के मीडिया पर बिल्कुल सवाल उठाइए, देश की युवा पूछनी चाहती है, देश की युवा पूछनी चाहती है, पढ़ लिख के हम सब क्या करें? पकौड़ा चाहने, हम अभी हम पकौड़ा दुनिया भर के मुद्दे पे बात करेंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपके पीछे हजारों की संख्या में बसपा समर्थक जा रहे हैं, वो अपने पार्टी अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, अगर दोनों एक साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे होते 2.5 साल पहले की तरह, तो आप कार्यकर्ता के तौर पर कैसे देखते हैं? सपा बसपा गठबंधन होना चाहिए था कि नहीं? नहीं होना चाहिए। वजह बताइए। वजह यही है कि वो हमेशा मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। कौन? वो बीजेपी को। 2019 में किया क्या उन्होंने? 2019 में भी वही किया जो उनकी मंशा थी, आज भी वही दिखा रही है।